जानी और जेंगशी एक लिफ्ट में थे। जानी का चेहरा रेड था और वो पूरा कांप रहा था। तो जेंगशी कहता है कि ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हारे पिछवाड़े को लात की जरूरत है। जानी कहता है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम पहली बार मेरे साथ मूवी देखने चल रहे हो ना। और वो जेंगशी को नीचे देखने के लिए कहता है। जेंगशी ने जब नीचे देखा तब जानी अपना पैंट खोल के दिखाता है कि देखो यहाँ पे। ये देखकर जेंगशी का फेस ऐसा हो गया जैसे अभी ही वोल्केनो फटने वाला हो। फिर अगले सीन में वो दोनों सबवे में थे। तब जानी सो गया था और जेंगशी अपनी वीडियो गेम खेल रहा था। जानी धीरे धीरे करके जेंगशी के कंधे पे सरकने वाला था। जेंगशी ने उसके फेस पर स्लैप लगा के उसे दूर कर दिया, लेकिन जानी का सर दीवार से टकरा के नीचे गिर पड़ा और उसका मुंह सीधा जेंगशी के पैरों के बीच में। फिर अगले सीन में वो दोनों खाना खा रहे थे, लेकिन अचानक से जानी रोने लगा और कहता है कि मेरी आईलैश मेरी आंखों में चली गई है, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। वो जेंगशी के करीब जाते हुए कहता है कि प्लीज इसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो ना। जेंगशी एक घूंसा लगा के उसकी नाक फोड़ देता है और पूछता है कि अब बेहतर लग रहा है। जानी रोते हुए कहता है कि हाँ वो बाहर निकल गई। फिर अगले सीन में वो दोनों पुराने दोस्तों से मिलके घर वापस आ रहे थे। वहाँ पे जानी को बहुत ही ज्यादा मजा आया और पी पी कर वो ड्रंक हो गया। वो ठीक से चल नहीं पा रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो आसमान में तैर रहा है। जेंगशी कहता है तुम्हें पता ही है कि तुम ज्यादा नहीं पी सकते, तो फिर तुमने क्यों पी। जानी अपना पूरा वजन जेंगशी पे डाल देता है कि अब मैं और नहीं चल सकता, चलो ना एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। जेंगशी गुस्से से उसे स्लैप लगा के दूर करता है। तब जानी किसी से बम्प हुआ, वो कहता है कि इतना सॉफ्ट क्यों फील हो रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहाँ पे एक आलू की बोरी जैसा मोटा आदमी गुजर रहा था, उसने जानी को संभाल लिया और शायद वो उसे लेके भी चला जाता, लेकिन जेंगशी जानी को अपने पास खींचता है। जेंगशी को उसकी परवाह है, ये जानकर जानी को बहुत ही अच्छा लगा। देखते हैं कैफे स्पेशल। जानी स्मोक करते हुए बोल रहा था कि मैं तो बहुत ही थक गया हूँ, अब आगे जाके मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। तभी एक औरत अपनी बच्ची को वहाँ पे छोड़ के चली गई कि बेटा यहाँ पर इंतजार करना। जानी ने लड़कियों वाले कपड़े पहने हुए थे, तो वो छोटी लड़की उसे देख के कहती है कि दीदी मेरी मम्मी ने कहा है कि लड़कियों को इतने ज्यादा पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए। जानी अपना फ्रॉक ऊपर करके दिखा देता है कि वो लड़की नहीं है। वो छोटी बच्ची जोर से अपनी मम्मी को बुलाती है और जेंगशी का फेस देखो, उसके दिमाग में वही चल रहा होगा कि इसके साथ साथ तो एक दिन मेरी भी पिटाई हो जाएगी। फिर अगले सीन में जेंगशी की तबीयत खराब थी, तो जानी उसे पूछता है कि दवाई लेने के बाद क्या अब तुम्हें थोड़ा बेहतर लग रहा है। जेंगशी कहता है मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। जानी कहता है कर भी क्या सकते हैं, तुम्हारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्लैंकेट है, चलो मुझे ही कुछ सोचने दो। और उसने सोच लिया, वो अपनी गर्माहट जेंगशी को देगा। ये जेंगशी के लिए हार्ट अटैक जैसा था कि ये तुम क्या कर रहे हो। फिर अगले सीन में जेंगशी जानी को चेरी खिलाता है और वो भी अपने हाथों से, तो जानी तो बहुत ही खुश हो गया कि ये तो कोई एक सपने जैसा है। नहीं रुको, ऐसा तो सिर्फ एक सपने में ही हो सकता है। और वो ये प्रे करने लगा कि प्लीज ये एक सपना नहीं होना चाहिए, लेकिन आंसुओं के साथ उसकी नींद खुली, वो असलियत में एक सपना था।